हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फाइनली हम निकल चुके हैं, अभी रास्ते में हैं। घर से जो है वीडियो बना नहीं पाया किसी कारणवश, तो अभी रास्ते में आके वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जा रहे हैं रुद्रपुर में जाके बात करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय। अभी रुद्रपुर जा रहे हैं दोस्तों। अभी हम रुद्रपुर पहुँच चुके हैं फाइनली, और हम अभी है हमारे पीछे देखिए महाराणा रंजीत सिंह पार्क में अभी है हम। ये देखिए महाराणा रंजीत सिंह पार्क में अभी है, और पार्क का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। और इसका विशेषता जो है हमारे तपन में बताएंगे, तो बता दीजिए आप थोड़ा सा दोस्तों। ये महाराणा प्रताप के पार्क में ही ये सबसे बड़ा ऊंचा, देख रहे हो, दिखाओ दर्जी ऊपर दिखा दो। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा हमारे तिरंगा लगाया जाता है यहाँ पर। अच्छा, रात को 11 बजे ट्रेन है मंजिल की ओर। अच्छा हाँ, तो हम चलेंगे अभी हमारे मंजिल की ओर, जो तपन भाई ने बताया कि मंजिल की ओर चलेंगे, तो हाँ चलेंगे मंजिल की ओर। वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। थोड़ा घूम रहा हूँ अभी, देखते रहिएगा कहाँ कहाँ जाते हैं, आप सभी को लेके चलेंगे और दिखाते रहेंगे। और ये देखिए पीछे हमारे ये रेडी लगा हुआ है। हम पहुँच चुके हैं अभी इंदिरा मार्केट में। अभी इधर देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर फूल, ये देख सकते हैं आप। अभी हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं एकदम मार्केट के बीच से, और आप पीछे का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, हमारे सामने का नज़ारा। सारी कितना खूबसूरत फूल है, बुके बन रहा है इधर, हाथों हाथ तुरंत बुके बना के दे देंगे आपको। दोस्तों आपको बता दूँ, यदि आप लोग रुद्रपुर में आते हो, यदि भूख लगे हाँ, तो इस गली में आ जाना। इस गली में सब कुछ मिलता है, देखो इस लाइन से लगा हुआ है, खाने को बहुत बहुत टेस्टी टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त खाने को मिलेगा आपको यहाँ का। टेस्टी टेस्टी जो चाहे आप, छोले कुलचे चाहे गोलगप्पे चाहे कुछ भी। और यहाँ का लोकेशन महाराणा प्रताप का पार्क का जस्ट बगल में, हाँ महाराणा प्रताप के जस्ट बगल में है। और यहाँ का राजमा चावल बहुत फेमस है, क्योंकि मैं भी बचपन से आता था यहीं पर, आता था छोले चावल खाने के लिए और राजमा चावल खाने के लिए यहीं पर आता था। तो आप भी आइएगा, बहुत ही अच्छा राजमा चावल बनता है यहाँ पे। मुझे तो बहुत ही में सब कुछ मिलता है। अच्छा, पानी पूरी हो गया, चाउमीन हो गया, फिर राजमा चावल हो गया। दोस्तों भूख तो नहीं लगा, फिर भी मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ तब भी मैं यहाँ का राजमा चावल जरूर खाता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है यहाँ का राजमा चावल। कभी कभी यहाँ से हम राजमा चावल खाएंगे, और यहाँ से राजमा चावल खा के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, देखते रहिएगा। 11 बजे तक रुद्रपुर में ही है, और 11 बजे के बाद जो है आगे चलेंगे सीधा। हाँ, और ब्लू सिटी चल रहे हैं हम, तो आपको भी ले चलेंगे वहाँ पे ब्लू सिटी में। नेक्स्ट वीडियो ब्लू सिटी का होगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ब्लू सिटी का होगा। तपन भाई हमें ब्लू सिटी लेके जा रहे हैं, तो तपन भाई के साथ मैं भी चलना चाह रहा हूँ, तो चल रहे हैं ब्लू सिटी में। तपन भाई लेके जा रहे हैं, तो हमने अभी राजमा चावल मंगवा लिया, अभी हम खाएंगे राजमा चावल। और राजमा चावल खाने के बाद बात करते हैं, ठीक है। तो देख भूख तो लगा नहीं, फिर भी सिद्धार्थ भाई आए, फेवरेट है भाई, तो खाना पड़ेगा। राजमा चावल मुझे अच्छा लगता है, तो यहीं पर आ गया राजमा चावल खाने। सलाद कुछ और अचार का पीस दिया, एक बटर दिया, और बाकी राजमा और थोड़ा दही वगैरह। इतना अच्छा लग रहा है, बताओ क्या बताओ। आप भी कभी आना, याद करके शिवाजी पार्क के जस्ट बगल में ही है दुकान। जिसको भूख नहीं लगा वो भी खा लेगा यहाँ का राजमा चावल। मेरे को तो भूख लगा नहीं, फिर भी हो गया है, फिर भी टेस्टी, इतना टेस्टी है, फिर भी ठूस रहा है, भूख नहीं लगा फिर भी ठूस रहा है, बताओ। फाइनली दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका है, अब हम चल रहे हैं घर की ओर। दीदी के घर जा रहा हूँ, तो वहाँ से दीदी के घर से जो है रात को 10 बजे 11 बजे वहाँ से निकलना है। निकल के सीधे चलेंगे रेलवे स्टेशन से सीधे हमारे मंजिल पर, जहाँ के लिए हम निकल रहे थे। हाँ,
उसके बीच में जितने जितने स्टेशन आते रहेंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। देखते रहिएगा वीडियो अंत तक, देखते रहिएगा, पूरा वीडियो में पूरा जानकारी देंगे हम कौन सा स्टेशन आ रहा है, क्या है, कहाँ पर जा रहे हैं। तो जोधपुर से जोधपुर तक का आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। आप भी जा सकते हो, हमारे वीडियो देख के आप भी जा सकते हो, जिससे आप आसानी से पहुंच सको। कोशिश यही है कि जिससे आप आसानी से पहुंच सको, ऐसा कर देंगे हम, ऐसा बताते हुए चलेंगे कि आप आसानी से पहुंच जाओ। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। और ये तन भाई के हाथ में थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग कर लिए थे आज भाई ने, नया भाई के हाथ में चश्मा भी ले आए, एक चश्मा खरीदा भाई ने, और खाने पीने का कुछ सामान है। तो चलिए दोस्तों, दीदी का घर आ चुका है जस्ट थोड़े से सामने। रुको बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कल का वीडियो देखने के लिए। अच्छा, तो ब्लू सिटी दिखाने के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ब्लू सिटी में जा रहे हैं। तो आपको भी ले चल रहे हैं हम ब्लू सिटी में, तो आप भी वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा अंत तक। और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्लू सिटी राजस्थान। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि दीदी का घर आ चुका है। तो It was not easy from the start.